नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और ये हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, भक्ति काल। दूसरा देख लीजिएगा, पुरइनी पात का अर्थ है, तो पुरइनी पात का अर्थ क्या है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला, कमल का पत्ता। तीसरा देख लीजिएगा, जुगुष्प किस रस का स्थायी भाव है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, विवत्स। चौथा देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा किस प्रकार की है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला, कहानी। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समाज बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो पहले पद को क्या कहते हैं ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला, पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे, तो किस में खिलाते थे ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, फूल के कटोरे में। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हरी है क्या पढ़ आए, तो पहले का उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा राजनीति, राजनीति आपको पहले का उत्तर लिखना है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा दृश्य काव्य, तो अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। तीसरा आप देख लीजिएगा, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा एकांकी कहलाती है, एकांकी आप सभी को लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा हारिल, हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। पांचवा आप देख लीजिएगा, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा संगार रस, संगार रस आप सभी को लिखना है। छठा देख लीजिएगा, कभी कभी हमसे बाबूजी क्या भी लड़ते हैं, तो देख लीजिएगा छठे में आपको लिखना होगा कुश्ती, कुश्ती आपको लिखना है छठे का उत्तर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो बिल्कुल आ जाते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, त्रिभुवनम में द्वंद्व समास है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आप देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, तो बिल्कुल ऊंची थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आप देख लीजिएगा, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो बिल्कुल थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बबूत का तिलक लगाते थे, तो बिल्कुल लगाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ का मिलान आप सभी कर लीजिएगा, उपन्यास सम्राट इसमें आपको लिखना होगा प्रेमचंद, नाटक में आपको लिखना होगा दृश्य काव्य, दोहा में आपको लिखना है
अर्ध सम्मात्रिक छंद। बाल गोविंद भगत में आप सभी को लिखना होगा राम वृक्ष मेनीपुरी। एकमात्र सहारे में आपको लिखना होगा अंधे की लाठी। चिरवेती चिरवेती में आप सभी को लिखना होगा चलते रहो चलते रहो। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो पहले में आपको लिखना होगा विश्वामित्र। क्या लिखना है, लिख लीजिएगा विश्वामित्र के साथ आए थे, यह आपको लिखना है परीक्षा में। दूसरा देख लीजिएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो दूसरे में आपको लिखना होगा हालदार साहब। लिख लीजिएगा हालदार साहब, आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आपको यहाँ पर लिखना होगा तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा रंगमंच, रंगमंच के काम, ये आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। पांचवा आप देख लीजिएगा, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है, अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। पांचवा देख लीजिएगा, लेखक अज्ञे ने हीरो सीमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो छठी में आप सभी को लिखना होगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी आपको छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2, 2, 3, 3 एवं 4, 4 नंबर के प्रश्न, और हाँ इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, जीतिकालीन कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया है, प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आप सभी को बताना है। सातवा देख लीजिएगा, तुलसीदास अथवा जी शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं आप सभी को लिखना होगा, भाव पक्ष आप सभी को लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, स्मृति को पाते बनाने से कवि जी शंकर प्रसाद का क्या आशय है? अथवा आपका दिया है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अव्यक्त किया है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। नौवां देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अथवा आपका दिया है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा नौवां प्रश्न, रस किसे कहते हैं? आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप सभी को लिखना है। ग्यारहवां आपका दिया है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर आप सभी को बताना है। अथवा आपका दिया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आप सभी को अंतर बताना है। बारहवां आपका दिया है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया है, रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर आप सभी को बताना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी देख लीजिएगा तेरहवां प्रश्न, जिसमें स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाषा शैली आप सभी को लिखना है, साहित्य विस्तार आप सभी को लिखना है। चौदहवां प्रश्न देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अथवा आपका दिया है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आप सभी को बताना है। पंद्रहवां देख लीजिएगा, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इनके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सोलह दिया आपका, जिसमें लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करके आप सभी को लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अथवा देख लीजिएगा, तुम्हें क्या करना होगा, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग आप सभी को करना है। पहला आपका दिया है लोहा लेना, दूसरा आपका दिया है ईद का चांद होना। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना,
और ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों में दिखाई देना है, ठीक है, ये इनके अर्थ हो जाएंगे। और उसके बाद आपको प्रयोग करना है, ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आप देख लीजिएगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार से अभिव्यक्त उजागर करते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। 18वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में लिखना होगा संदर्भ, संदर्भ के बाद आपको लिखना होगा प्रसंग, प्रसंग के बाद आपको लिखना होगा भावार्थ। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और अतिवी वाले में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद इनकी संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके लिखना है, ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर, वन सेकेंड, हाथ घड़ी का एक विज्ञापन तैयार करके आप सभी को लिखना होगा। और अतिवादी आपका परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आप सभी को लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इस काव्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको तीन प्रश्न दिए। पहला प्रश्न आपका दिया है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताना है, तो लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा भारत माता, भारत माँ आपको लिखना होगा इसका शीर्षक। दूसरा आपका दिया है कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है, इसमें आपको लिखना होगा कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, तो इसमें आपको लिखना होगा माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाज माफी चाहूंगा, थाल में लाओ सजा कर बाल सब्बी, मतलब इसका उत्तर आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा इसका अतव वाला प्रश्न, इसमें एक गद्यांश आप सभी को दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको तीन प्रश्न दिए, पहला प्रश्न आपका दिया इसमें शीर्षक आपको बताना होगा इस गद्यांश का, और दूसरे में बताना होगा इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज में क्या क्या खतरे हैं। तीसरा आपका दिया है उपयुक्त गद्यांश का सारांश, मतलब सार आप सभी को लिखना होगा इस गद्यांश का, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, जिसमें पूछा है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र मतलब प्रार्थना पत्र आपको लिख देना है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और अतिवी वाले प्रश्न में क्या करना होगा देख लीजिएगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, कौन सा लिखना है बधाई पत्र। 23वां देख लीजिएगा, 23वें में क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिख देना है परीक्षा में। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है, और आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब इस पेपर को पढ़कर परीक्षा में 75 में से 75 अंक यहाँ पर लेकर आ जाए। तो आप सभी देख लीजिएगा इस पेपर का फुल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे, बट आप सभी और अच्छे से इनके उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहले के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, दूसरे के बाद तीसरे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और चौथे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था, और पांचवीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। अब हम चलते 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर पर, तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतिवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतिवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा 8वें प्रश्न का उत्तर, 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतिवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर, 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतिवी का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर, 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण आप सभी को लिखना है, एग्जाम्पल लिखना होगा परीक्षा में। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महाकाव्य तथा खंड काव्य में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बताना है। और देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है, 13वें के बाद आगे हम चलने वाले। 13वें प्रश्न में क्या करना होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की दो रचना आपको लिखना है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर, 14वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर, 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, ठीक है। और 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, 22वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी स्वयं जो बुक है उसमें से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।